तेरा ओ भारत देश में, ओ भारत देश में। ये वही भारत है, इसलिए सूर्य का ध्यान प्रतिदिन कीजिए और भगवान सूर्य को जल तुलसी जी में प्रतिदिन दीजिए, धरती पे मत दीजिए। वो जल का छींटा पड़ेगा पैर पे पड़ेगा, उससे उस पवित्र जल का भी अपमान हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य भगवान को जल कहाँ देंगे? तुलसी जी में। कैसे देंगे? ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ये परंपरा हमारी भारतीय। ठीक है, जो जल कलश ऐसे देंगे, ऐसे जल से फील करेंगे, उस जल से सूर्य का प्रकाश छन कर आ रहा है हमारे शरीर के ऊपर, ओम कर रहा है हमें। ठीक है, और वही जल पूरे विश्व को लाभ दे रहा है वृष्टि बनकर। ठीक है, जो जल देते हैं उसका साइंस यही है, इसीलिए कहते हैं मंत्र सूर्य का ये त्रिका। सबसे पहले आपको हेल्दी करेगा, राखी सदा निरोग, आप हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। देह और मस्तिष्क में आने ना दे रोग, और क्या करता है, सभी अशुद्ध विचारों का करे निरंतर दान, स्वस्थ करे हर सांस को। गीता के तीसरे अध्याय में तुम लोग यज्ञ करो, यज्ञ से देवताओं की उन्नति होगी, देवता तुम्हारे मनवांछित भोगों को समय समय पर देता रहेगा। यह गीता के तीसरे अध्याय में। तो सांस भी हमारा स्वस्थ होगा, स्वस्थ करे हर सांस को, स्वस्थ बनाए चाह सज्जनता की सौम्य, बदलाए है राह सज्जनता की सौम्य, बदलाए है राह स्वस्थ सार्थक मंत्र ये सबसे सच्चायो। मंत्र सूर्य का त्रिका राखे सदा निरोग। कमर सीधे करके बैठिए और दीपा, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सूर्याय नमः मम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सूर्याय नमः मम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सूर्याय नमः मम। याद रखिएगा, प्रतिदिन गायत्री मंत्र जपने का एक और फायदा गुरु जी ने लिखा है साइंटिफिक तरीके से। भोपाल में गैस कांड हुआ था बहुत पहले, सारे घर जल गए थे, एक ही घर बचा था जिस घर में गायत्री यज्ञ हो रहा था प्रतिदिन, न्यूज़पेपर में गया था। गायत्री का जप करने वाला सूर्य शक्ति से विशेष संबंध स्थापित कर करता है, प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती है वो सूर्य से होता है। जब सूर्य स्नान करता है 12 वर्षों बाद तो क्या क्या होता है, ओलावृष्टि होता है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ये सब सूर्य से होता है, समझ रहे हैं आप। तो उस प्राकृतिक आपदा में बचने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप होना आवश्यक है। ना आप कभी रोगी होइएगा, ना कोई कोरोना होगा, ना आने वाला समय में कोई डोरोना होगा, ना कोई मोरोना होगा, पता नहीं कौन कौन सा होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। गायत्री जपने वाला कभी रोग ग्रसित नहीं होता, याद रखिएगा। आप गरीब हैं तो अमीर हो जाएंगे, धन भी आएगा आपको, सब चीज में बैठा है। क्यों? तो वेद में कहा गया, अथर्ववेद में गायत्री के बारे में क्या कहा, गायत्री 7 चीजों में थी और इस 7 में पूरा ब्रह्मांड है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम, उसके बाद काउंट कीजिए आयु, जितना एज लेके आए हैं उससे ज्यादा मिलेगा। प्राणम प्राणवान हो जाएंगे, जो भी मैं समझा रहा था इफेक्टिव होइएगा। प्रजा आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, पशु, पहले के जमाने में हाथी घोड़ा वाला धन होता था, पशुधन उसको कहते थे,
किसी के पास 10,000 हाथी है, किसी के पास 10,000 घोड़े हैं, और आज के जमाने में BMW का है ना, जिसके पास गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले हैं, उसको बोलते हैं पशुधन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो मोटर गाड़ियां आपके पास होगी गायत्री के जब से, इसी को पशु होते हैं। आयु प्राण प्रजा पशु, उसके बाद कीर्तिम, चारों दिशाओं में आपका नेम फेम होगा, आपका नेम फेम भी होगा। द्रविणम, आप गरीब है, आर्थिक संकट में है, तो द्रविणम मतलब धन, धन भी मिलेगा। छह हो गया, आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम। और जब इंसान शरीर छोड़ देता है, एक दिन उसको मृत्यु होना हो उसका निश्चय है, सो तब उसे मोक्ष भी मिलता है, यानी गायत्री भोग और मोक्ष दोनों देती है, भौतिक सुख भी देता है और आध्यात्मिक सुख भी देता है। कौन? गायत्री। एक गायत्री मंत्र जब से इतने सारे लाभ। अब वो कोई मूर्खी होगा ना, इतने सारे लाभ नहीं प्राप्त करेगा, बताओ। और विद्या क्या होता है? कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी देखिए उन्होंने कितना लिख दिया। हमारे गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं कक्षा पास थे, 3500 साहित्य लिखा उन्होंने, वर्ल्ड में सबसे बड़े राइटर। 3500, कोई एक किताब लिख के मर जाता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने गायत्री मंत्र को पूरी दुनिया में पहुंचाया, दुनिया के सभी भाषाओं के जानकार थे, एक समय में 6-6 जगहों पर रहते थे। उन्होंने 1950 में ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया के दरबार में गरज कर कहा था, मैं पंडित श्री राम शर्माचार्य यह भाषण दे रहा हूँ, आज की तारीख, यह स्थान, आज का दिन और अभी का समय अपनी अपनी डायरी में नोट कर लो, मैं इसी समय 6 राज्यों में अपना भाषण दे रहा हूँ। तो ये क्या है? साधना, साधना की शक्ति, गायत्री की शक्ति। माँ विद्या की देवी, विद्या क्या करते? विद्या ददाती विनियम, विनियम ददाती पात्रता। विद्या से विनय होता है, यानी विनम्र बनता है, एटीट्यूड खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का, जिसके अंदर विद्या आती है उसका एटीट्यूड हमेशा के लिए खत्म, वो संस्कारी हो जाता है। विद्या क्या करता है? संस्कारी बनाता है, आज्ञाकारी बनाता है, बड़ों की आज्ञा, बड़ों की बात मानना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, दूसरों की इज्जत करना, सम्मान करना, सबसे प्यार से बात करना, एटीट्यूड में नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्या और शिक्षा में यही अंतर है, एक शिक्षा से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति, यानी एक नियम घुस ले सकता है, एक डॉक्टर किडनी बेच सकता है, तो वो विद्या नहीं है ना, हैवान का तो हैवान ही रह गया ना, वो डॉक्टर इंजीनियर आए सबके सब भ्रष्ट है ना, भ्रष्ट। अगर भ्रष्ट नहीं होते, विद्यावान होते, तो देश में कोई दुख होता किसी को? नहीं होता ना। अगर पुलिस वाला अच्छा होता, सिंघम फिल्म में बोलता है ना कि मंदिर के बाहर से कोई चप्पल भी नहीं चुरा सके, अगर पुलिस वाला अच्छा हो जाए, बोलता है ना वो, तो ये बात सही है, गलत का है? प्रशासन अगर अच्छा हो तो उस इलाके में क्या घटना घट रही है सब जानकारी प्रशासन को होती है, लेकिन वो भी चोरों से मिला होता है, उन लिटोरे से मिला होता है, क्यों? गलती है ना, विद्यावान नहीं है। तो आप शिक्षा से अधिकारी बन सकते हैं, किसी पद पे जा सकते हैं, विद्यावान नहीं हो सकते। विद्यावान कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने परमहंस जी को लास्ट समय में क्या कहा था? मेरी शिक्षा ही मेरे अज्ञानता का कारण है, मेरे विनाश का कारण है। परमहंस जी को पहचान ही नहीं पा रहे थे, तब परमहंस जी ने कहा, अरे मूर्ख, जो काया राम में आई थी, जो काया कृष्ण में थी, वही मैं राम कृष्ण हूं। जब विवेकानंद जी ने मन में कहा था कि अभी भी ये कह दें कि मैं कोई अवतार हूं, और परमहंस जी उस समय शरीर छोड़ रहे थे, उस समय की बात है, उनके मन को उन्होंने पढ़ लिया था, तो गुरु ऐसे होते हैं। तब विवेकानंद ने कहा था कि मेरी शिक्षा ही मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मेरी बाधा बन गई। तो शिक्षा से आप किसी पद के पदाधिकारी ही हो सकते हैं, बस इतना ही है शिक्षा का रोल, यानी आप पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा, बस यही तक है शिक्षा का रोल, सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए। बाकी विद्या का रोल क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है? तो आइए सरस्वती गायत्री मंत्र की 3 आहुति देते हैं। ओम सरस्वती विद्यमहि ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वती विद्यमहि ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सरस्वत्यै नमः। ओम
सरस्वती देवी के महे ब्रह्मपुत्र धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। नमो सरस्वती नम नमः। आइए अब अंत में भगवान महादेव बलिवादपति महाकाल की एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर हमारे साथ गाइए। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो काम ताप का करता है, जो युग पर कर्तव्य करता है, महादिशक्ति को साथ ले, महादिशक्ति को साथ ले, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल 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 जय पूरे विश्व में भारत में ही प्रकृति को भी हम मां कहते हैं ना।
तो वो देश किसका हुआ? माँ का, नारी का देश है ना। उस देश में नारी की इज्जत क्यों नहीं होती बोलो? हमने एक गली बुआड़ी गाया है, बहुत ट्रेंडिंग में चला। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उन लोगों ने शायद सुना होगा, वो ट्रेंडिंग में वो चार लाइन के रील्स पॉपुलर हो गए। लड़कियों ने ही सबसे ज्यादा रील्स बनाए मेरे गानों पे। वो चार लाइन कौन से मांग रहे? लड़का जाए कहीं भी जाए, आधी रात को लौट के आए, बेटी अगर बाजार भी जाए, घर में सबसे मारो खाए। ये लाइन बहुत पॉपुलर हुआ है हमारा इंस्टाग्राम पे। कभी कलयुग वाणी सुना था? ये पूरा लाइन ऐसे है। अति पावन अति पतित सुहानी, कलयुग की सुम मधुर कहानी, जो झूठा सो ऊंचा होगा, सच वाला ही नीचा होगा। आज के दौर में हमने लिखा था, कोई तुझे एक चाटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा दे, दूर जाकर न आगे करना, सीख ले बंदे लड़ना मरना। ये उसी का है। खेत न देखा कभी धान का, चावल बेचे बड़े ब्रांड का, धूप में कोई करे जुताई, बैठ छाँव कोई करे कमाई, अध्यापक है जो सरकारी, बहुत बड़ी उनको बीमारी, बैठ क्लास में सो जाते हैं, मोटी सैलरी वो पाते हैं। मांस न खाए शनिवार को, कल खाएंगे रविवार को, घर घर की है ये नौटंकी, कहते हैं सुखदेव हसन की। ये उसी कलयुग वाणी के सेंटेंसेस मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने। तो इसलिए नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान हुआ है। बोलो, नारी का सम्मान जहां है, नारी शक्ति है ना, दुर्गा शक्ति, विश्व की शक्ति, दुर्गा शक्ति, सीता शक्ति, काली शक्ति, राधा शक्ति, सरस्वती शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, गायत्री शक्ति। अब बोलिएगा जागो, ठीक है? नारियों जागो, नारियों जागो। ऐसा तो नहीं है प्रसाद लो और भागो, नारियों। अब बोलिएगा पहचानो अपने को। अब बोलिएगा नारी शक्ति जागेगी, ठीक? जागेगी भाई, जागेगी। हाथ उठा के बोलिए, भाई लोग तो नहीं बोलेंगे, जानबूझ के नहीं बोलेंगे, इसलिए आप लोग हाथ उठाइए। सबको बोलना है जागेगी भाई, जागेगी, जाग गई भाई, जाग गई। अब बोलिएगा दहेज प्रथा बंद हो, अनाचार का अंत हो, दहेज नहीं देना है किसी को भी, अब नहीं लेना है। दहेज देना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है, दोनों बुरे हो गए, ठीक? अनाचार का अंत हो, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अब बोलेगा नया युग आ रहा है, सावधान। अब बोलेगा उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, धर्म की जय हो, धर्म की, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो।
तीन बार सफल हो, हमारी की निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल अब पूर्ण हो तीन बार, हमारा युग निर्माण संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण। अब देखिएगा वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, बोलिए